गुड़िया के मुंड साइड हो जाए। श्री भोलेनाथ भगवान जय हो।
महाराज इधर इधर हिरण कशुप के जो कुछ कहते हैं कि हे मित्रों भगवान का भजन करो या विद्या सा विमुक्त है उस विद्या का अध्ययन करो जिससे इस लोक और परलोक में भी सुख प्राप्त हो। महाराज सायंकाल हो गया, अवकाश छुट्टी का समय, बच्चे घर नहीं पहुंचे। माता पिता राजा से शिकायत किए। इधर गुरुजी रोकना चाहे लेकिन फिर मंत्री आया, मंत्री भी कीर्तन करने लगा। राजा स्वयं हिरण्यकश्यप आज आए, अजामिल गए जंगल और हवन करना है, लकड़ी लाने जंगल में गए। लकड़ी समिधा बीन रहे थे, जो सूखी हुई समिधा पेड़ों से गिरी थी। देखिए कि जंगल में एक वैश्या देह का व्यापार कर रहे। महाराज अजामिल ने कहा हमें क्या लेना देना। फिर अजामिल ने सोचा थोड़ा देख, बंधुओं यहीं से प्रारंभ हुआ था। ये आंख है ना, चाहे जितना मना करो लेकिन जहां अश्लीलता होती है यही हो जाता। फिर देखे उनको मन हुआ थोड़ा पास जाए, अब स्पर्श करने का मन हुआ छूने। वैश्या ने कहा हम वैश्या अब अजामिल कि जो ब्रह्म वृत्ति थी सब त्याग दिया। अजामिल महाराज वैश्या ने कहा कि अगर हमारे साथ रहना है ना तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मदिरा पान करने लगा। फिर अब मदिरा पान करेगा तो वेज वेजियर नहीं लगेगा, तो नॉन वेज होना चाहिए ना, तो नॉन वेज अब कैसे काम चले चले। अब कहां से पूर्ण होगा, कहां से धन पाएंगे। तुम्हारा चोरी करने लगे, पशु को मार कर बेचने चले। कहते हैं अजमाने माया, जो माया में मिल गया हो तो माया में कौन मिला है। हम आप सभी मिले हैं, सभी अजामिल हैं माया में। और एक एक हमारे व्याकरण शास्त्र में कहा गया अजा माने बकरी, संस्कृत में बकरी को अजा कहते हैं। तो अजामिल जो बकरी में मिल गया हो, यानी बकरी का ही भोजन करता हो, उसी को चमड़े के कपड़े उसी से उसने व्यवस्था की, उसकी छाती बन गई। रास्ते से अनेक लोग पैदल चलते थे, साधना की व्यवस्था। अब रात हो गई, बाहर बच्चे खेल रहे थे गांव के, तो संतों ने पूछा कि यहाँ कोई भक्त है इस गांव में। बच्चों ने कहा क्या करना है, संतों ने कहा आज रात रुकना है।